रेलवे आरपीएफ भर्ती 2019 रेलवे बोर्ड ने दी सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है। रेलवे में नौकरियों की बहार आ चुकी है। 9000 पदों के लिए होने जा रही है बंपर भर्ती। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसको चेक करें, वहां से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। आरपीएफ में सिर्फ 2.25% महिला है। रेलवे में कांस्टेबल पद पर 50% महिलाओं की होगी भर्ती। यह दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में ऐलान किया कि रेलवे में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए निकलने वाली 9000 के करीब नौकरियों में से 50% सीटें महिलाओं के लिए होगी। रेलवे पुलिस जल्द इसे लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। सरकार ने जनवरी 2019 में 2021 तक 4 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां देने का ऐलान किया था। राज्यसभा में गोयल ने बताया कि रेलवे में 15 लाख कर्मचारियों की मंजूर संख्या है, जिनमें से 12 लाख कर्मचारी कार्यरत है और जबकि सिर्फ 2,82,000 पद खाली पड़े हैं। शुक्रवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि रेलवे में जल्द ही आरपीएफ और आरपीएसएफ के पदों के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे और इसमें टोटल 9000 पद होने वाले, जिसमें 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए, यानी 4500 पदों के लिए महिलाओं की भर्ती होगी और 4500 पदों के लिए पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आप देख सकते हो, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यही अपडेट आ चुकी है। रेलवे रिक्रूटमेंट 2019 खुशखबरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान, रेलवे में निकलेगी 9000 भर्तियां। या दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हां दोस्तों, अगर आप भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। और कब इसके लिए आवेदन शुरू होंगे, पूरी की पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, आपके जो आवेदन शुरू होंगे आरपीएफ और आरपीएसएफ के पदों के लिए, अक्टूबर 2019 से आप आवेदन कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसको चेक करें, जहां पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स की बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं।